मैं दिल्ली से आया हूँ, दिलशाद गार्डन से। तो शिकायत ये थी थोड़ी कि सप्लीमेंट तो हम वैसे एक बार आए थे यहाँ से ले गए थे, उसके बाद फिर हमने कोरियर से मंगवाया, काफ़ी जी सप्लीमेंट मंगवाया 4-5, और एक का रिजल्ट मुझे आया, दूसरे भाई को रिजल्ट नहीं आया। हर पूरे दिन मतलब हमारा काम ऐसा है कि पूरे दिन खड़े खड़े काम करना होता है, 8 घंटे भी हो जाते हैं, 12 घंटे भी। सब में पहले मैंने लिया था मसल टेक का, उसके बाद लिया आरसी किंग मास। जी जो आपका जी ये आरसी किंग मास लिया है, इसके बाद 57 किलो वेट हुआ है और वजन का रिजल्ट आपको नहीं, स्लो आ रहा है, बहुत स्लो, और बहुत स्लो, लगता मतलब नहीं है खुशी कि नहीं हो रही। खुशी नहीं अंदर से। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स वाला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्स खरीदते टाइम के काफी काम आने वाली है। तो आज की वीडियो है वेरी 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 स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सब हैं सप्लीमेंट्स विला फैमिली, और फैमिली का काम क्या होता है, एक दूसरे को गाइड तो करते करते हैं, एक दूसरे के सुझाव, एक दूसरे की शिकायतें भी दूर करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं शमशेर जी और अर्जुन जी, जो कि स्पेशली आए हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेने के लिए सप्लीमेंट्स विला पर। और भाई सिर्फ सप्लीमेंट लेने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स विला फैमिली है ये, पहले से जुड़े हुए हैं भाई, शिकायत लेके भी आए हैं। तो दोस्तों फैमिली का काम होता है कि शिकायतें और सुझाव भी दूर किए जाएं, उन पर भी अमल किया जाए। तो आज जो है भाई आए हैं सप्लीमेंट लेने, तो आए आए हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। भाई की पहले शिकायत सुनेंगे। मैंने बोला भाई को स्पेशली रिक्वेस्ट की है, शमशेर जी सिंह जी तो कह रहे थे कि भैया नहीं जो है मतलब वीडियो में मतलब थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैंने स्पेशली बोला, मैंने कहा देखो हम सब फैमिली हैं तो ये वीडियो जरूर बननी चाहिए, क्योंकि पता तो लगे यार कि शिकायत भी क्या है आपकी, क्या शिकायत है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपको, क्या नहीं आ रहे, सारी चीजें पता तो लगे हमें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले भाइयों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है शमशेर जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जुन जी। दोस्तों भाइयों से पहले इंट्रोडक्शन ले देते हैं कि भाई कौन सा विजिट है, कब से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें जो है वन बाय वन हम जानते हैं। समझे जी, मेरा नाम शमशेर सिंह है जी, और मैं दिल्ली से आया हूँ, दिलशाद गार्डन से जी। और भाई से शिकायत ये थी थोड़ी कि सप्लीमेंट तो हम वैसे एक बार आए थे यहाँ से ले गए थे मसल टैग। आप पहले आए थे? हाँ, और उसके बाद फिर हमने कोरियर से मंगवाया, काफी सप्लीमेंट मंगवाया 4-5, और लेकिन ये क्या क्या थे उसमें, थे लबराडा भी था, लबराडा ठीक है, एक लबराडा 12 LBS और 2 RC किंग जी, और एक का रिजल्ट मुझे आया और दूसरे भाई को रिजल्ट नहीं आया RC का जी। ठीक, और इसी की शिकायत लेके आए थे कि भाई कोई सप्लीमेंट का रिजल्ट आ रहा और किसी का नहीं आ रहा जी। यही क्या काम करते हैं ये बताइए पहले, क्या हाँ। कैसा वर्क है आपका, मतलब जो है मैं वर्क ये है कि थोड़ा पूरे दिन हमारा काम ऐसा है कि पूरे दिन खड़े खड़े काम करना होता है, 8 घंटे भी हो जाते हैं, 12 घंटे भी, मतलब फिजिकल वर्क ज्यादा, फिजिकल वर्क ज्यादा है। तो इस वजह से हम ये है कि हम कैलोरी जितनी भी खा लें वो रुक नहीं सकती, और अगर हमारा काम हल्का हो तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं वैसे भी जी जी, इसीलिए हम सप्लीमेंट के सपोर्ट लेते हैं क्योंकि हमारी कैलोरी इससे पूरी हो जाती है जी। और जब आपने आरसी किंग मास लिया था तो उस टाइम फिर मतलब क्या आपने पूरी की थी या काम कम था, कैसे क्या? काम उस टाइम पे कम था जी, और फिर डाइट भी मैं फॉलो कर पा रहा था अच्छे से जी, और रेस्ट भी मिल रहा था मुझे इस टाइम, और इस टाइम थोड़ा रेस्ट नहीं मिला, मैंने ये भी वाइस है गई मैं, ये भी दिक्कत हो सकती है जी जी। तो भाई ने जी बताइए, भाई ने यही कहा कि अगर आप हर चीज को सही तरीके से करोगे कि डाइट और रेस्ट ये दोनों तो शरीर के लिए है ही है जी, अगर इनमें से कोई भी लूज रह गया तो रिजल्ट डाउन जाएंगे या नहीं भी आएंगे जी। और शमशेर जी मतलब ये भी बताइए कि क्या मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ आपको? कोई नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं, आप देख सकते हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई पिंपल वगैरह कुछ नहीं। वो तो पहले लोकल सप्लीमेंट ले लिए थे, वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए, उसके क्या रिजल्ट थे बताना। रिजल्ट तो ऐसा है कि कितने का लिया था आपने? 1100 रुपए का बना, तो उसका कोई बिल था, और उसका ये था कि भूख इतनी थी हम दोनों को लगती थी कि हम आधी रात को फ्रिज में से जो सब्जी अब्जी भी कच्ची सब्जी अब तक खा जाते थे। अच्छा, इनसे जो आपने अब लिए लबराडा लिया किंग मास, इनसे भूख में कुछ ऊपर नीचे कुछ भी? नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ कि जो मेरी भूख थी उससे ये है कि थोड़ी सी बढ़ गई बस हल्की सी जी। सप्लीमेंट छोड़ने के बाद भी मेरी भूख सही रही, मतलब मेंटेन है, मेंटेन है हाँ। और जो आपने लोकल लिया था उससे भूख बढ़ गई थी, देन डाउन चली गई, उससे ये है कि भूख भी कम हो गई थी और लीवर डाउन हो गया था जब छोड़ा था, वो छोड़ा था। अब जो आपने जो सप्लीमेंट लिया इसको छोड़ने के बाद कोई प्रॉब्लम, इसको कोई प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो बस ये है कि थोड़ा जो रिजल्ट डाउन चलेगा उसी की शिकायत थी कि भाई रिजल्ट डाउन क्यों चलेगा, जो ये थोड़े बहुत भी रिजल्ट आए उसके लिए जी। और यहाँ पर अर्जुन जी से जानना चाहेंगे, अर्जुन आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। गाजीपुर गाँव से दिल्ली जी, सब में पहले मैंने लिया था
मसल टैक का जी, उसके बाद लिया आरसी किंग मास जी, उसके बाद अब जो लिया आप जो लेके जा रहे हैं आप जो लेकर जा रहे हो आपका क्या काम है अर्जुन जी? सेम काम है, साथ करते हैं आपका, मतलब अलग अलग कंपनियों में सेम ही नॉलेज है, हम दोनों ने साथ में ही वो जो काम सीखा है जी, बचपन हम दोनों का साथ ही में रहा है जी जी, मतलब एक साथ के बचपन के फ्रेंड है जी, और मतलब फिजिकल वर्क आपका भी इतना ही है, सेम ही है, सेम ही सेम वही 8 से 12 घंटे, 8 से 12 घंटे में एक बार को तो इनका तो कम है, मेरा ज्यादा है, आपका ज्यादा है, मेरा क्यों, क्योंकि मेरे को बाहर भी काम करना पड़ जाता है, नाइट में भी काम कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पैसा नहीं रहता इतना, क्योंकि मेरे और भी खर्चे हैं जी, और भी खर्चे हैं, जिम का है, इधर का खर्चा, उधर का, मैं भी नाइट कर लेता हूँ, 1,800 रुपए नाइट में मिल जाते, कोई बड़ी बात नहीं होती है जी जी, मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए नाइट में भी, लेकिन वही है कि इनकी सपोर्ट से ये है कि थोड़ा अच्छा लगता है, इतना नहीं है कि पहले जो था उसमें और अब में बहुत फर्क है जी जी। और आप वो इंजेक्शन वाली बात भी शेयर कीजिए जो आप मेरे से कर रहे थे, मैं लेने की सोच रहा था, नहीं सोचने को, मेरे को सजेस्ट तो करा था किसी ने, जिम में कुछ थे जी, उन लोगों ने सजेस्ट करा था कि टाइम से तुम कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो ले लो कुछ, मैंने कुछ में क्या, कहने लगे सब लोग यहाँ पे लेते हैं इंजेक्शन, तो मैं खुद बताता हूँ, मैं जिस जिम में गया था 75% लोग सेम ही इंजेक्शन लेते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 महीने में लगातार 3 महीने उन लोगों ने कर लिया, 3 महीने में बहुत अच्छी बॉडी, अब क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, अब दिमाग में कभी आती भी है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट ले रहा हूँ ओरिजिनल, क्या फायदा हो रहा, कुछ नहीं जी, और फॉलो तो मैं आपको काफी टाइम से कर रहा हूँ जी, और इतने लेने के बाद भी, और जब भी वो ओरिजिनल लिए, नोकल एक 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 सप्लीमेंट नोकल लिए थे, उससे क्या हुआ था, उससे सेम हुई जो इन्होंने बताया, भूख बढ़ी, भूख बहुत ज्यादा, आपने दोनों ने लिए थे, मतलब सेम ही लिए थे हम दोनों, मतलब बोल एक ही था हम दोनों को, थोड़ा शरीर बना लिया जाए, जब सबके साथ में ही, जब इसका शरीर बन गया उसका बन गया, हम भी बनाते हैं, हम दोनों सेम ही करा जी, हम दोनों सेम ही वही 1,500-1,600 रुपए का 5-6 साल पुरानी बात है, तो याद नहीं उसका कोई दलील कुछ नहीं जी, तो हमें दिया तो हमने ले लिया, लेके अपने घर गए, एक दिन खाया, जिस दिन शुरू के दिन खाया उस दिन तो ऐसा लग रहा था कुछ खाओ मत जी, एकदम ऐसा लग रहा है कि सब पेट के अंदर पता नहीं क्या डाल दिया क्या नहीं, फिर मेरा एक दोस्त है जिसको मैं जिम करता हूँ, दोस्त है, नाम नहीं बताना चाहूंगा उसका जी, उसको मैंने फोन मारा, भाई मैंने सप्लीमेंट लिया, उन्होंने कहा तूने क्या क्या लिया सप्लीमेंट में, मैंने ऐसे दूध के साथ में और डिप्स मार ली थी जब जिम भी नहीं कर रहा था, कह रहा अच्छा ठीक है ऐसा कर ली, 50 DS लिया जी, 2 गोली खा ली जी, और 2 गोली खाते के साथ ही आप 1-1.5 घंटे बाद फर्क पड़ गया, डाइजेस्ट हो गया, तो उसके बाद से तो फिर तो एकदम ऐसा लगता था चावल क्या क्या जो मिल जाए घर पे वो खाने, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी नॉर्मली, चेहरा भी वो चेहरा ऐसा हो गया जैसे कि मान लो नॉर्मली 1 महीने में जो मैंने बताया 2-2.5 महीने में 50 किलो वेट पर मेरा 80 किलो वेट पहुँच गया था जी, चेहरा ऐसा हो गया एकदम बहुत ही मोटा गुब्बारे टाइप, हाँ पेट एकदम ऐसा निकल गया, कुछ भी खा लो कुछ नहीं पता लग रहा, बैक निकलने लग गई, बम्प निकलने लग गया, मतलब शरीर ऐसा लग रहा था कि भारीपन, नॉर्मली अब जैसे कि जो अपनी जिस कंपनी में काम करता हूँ 3 मंजिल की है, नॉर्मली मैं अपनी मर्जी से दौड़ता हूँ, जब मर्जी उतर जाता दब्बे चढ़ जाता, उसके दौरान तो थोड़ी हिम्मत सी लगती थी कि थकान सी लग जाती चढ़ते चढ़ते, सांस फूल ला, मन नहीं करता था, मोटापा ऐसा लग रहा है, चर्बी, और जो भी देखता था तो भाई तू क्या खा रहा है ऐसा, कि देखिए चेहरा तेरा फूल रहा है, एकदम ऐसा लगता था आंखें अंदर को, चेहरा एकदम बाहर को हो गया, शरीर में कोई मांस मांस नहीं था बिल्कुल, आप सोचो कि मांस हो शरीर के अंदर, नहीं सिर्फ चर्बी बढ़ गई जी, और उसका वजन को वेट और लग गया, उसका ये लग रहा है कि हाँ जी कितना वजन बढ़ गया, अच्छा लगता था बहुत, जब लोग वक्त टोकते थे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जी उन्हें लग रहा है कि मेरे को कुछ आ रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट जैसे ही छोड़ा, छोड़ते के साथ ही जो था उससे भी 3 किलो वेट नीचे चले गया डाउन, मेरा 50 किलो वेट था और 50 किलो वेट में मेरा रह गया 47 kg, 47 kg जो आपका ये आरसी किंग मास लिया है, इसके बाद 57 किलो वेट हुआ है, और मेरे को टाइम शायद 7 महीने करीब हो गए जब आपकी शॉप पे मैं पहली बार आया जी, और उसके बाद फिर आपने सारे सप्लीमेंटेशन जो है सप्लीमेंट क्लास लिए, सप्लीमेंट से ही लिए, उनका रिजल्ट आपको स्लो आ रहा है, बहुत स्लो, और लगता नहीं खुशी नहीं हो रही, खुशी नहीं अंदर से कि जल्दी बिल्कुल तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपने पूरी स्टोरी सुन ली भाई की, कि क्या है भाई बता भी रहे हैं, इतना ऑनेस्टली बता रहे हैं, क्योंकि फैमिली में हम सब फैमिली हैं, हमको ऑनेस्टली एक दूसरे की बातें शेयर करनी है, एक दूसरे से शेयर करना है, तो यहाँ पर भाई ने बता दी कि रिजल्ट है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 6-7 महीने से जो सप्लीमेंटेशन मंगा रहे हैं ये, और
इन्होंने जो है शिकायत के तौर पे मुझे बिल्स भी दिखाए कि भैया देख लो आप कहीं कहो कि आपसे नहीं मंगाए हैं, ये इतने सारे दोनों भाइयों ने मिलके जो मंगवाए हैं, ये इतने सारे बिल्स हैं सप्लीमेंट फिला के जो इन्होंने रखे हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया जो है इतने सारे बिल्स हैं, बताओ क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट। अब दोस्तों मतलब मैंने फिर जो है भाइयों से पूरी डिटेल ली कि भाई अब क्या काम करते हैं सारी चीज़ें। फिर भाइयों ने बताया कि भैया मतलब जो है ना डाइट मतलब हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं, हमारा का जो है हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा है, ऊपर से एक्टोमोर बॉडी है, मेटाबॉलिज्म वैसे ही हाई है, ऊपर से कैलरीज कंजप्शन जो है काम की वजह से और ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सुनी एक बात कि सप्लीमेंटेशंस ना आपको रिजल्ट देंगे अगर आप डाइट लेंगे। और यहां पर जो अर्जुन जी तो बता ही रहे हैं कि स्लो स्लो रिजल्ट आ रहे हैं, दिल खुश नहीं हो रहा क्योंकि ये जो है ना एक बार फेक सप्लीमेंट खा चुके हैं और उनका रिजल्ट ये देख चुके हैं। जैसे भाई बता रहे हैं दोनों की भूख लगती है क्योंकि वो फेक सप्लीमेंट होता है, बट दोस्तों वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर इतना प्रेशर बनाते हैं, इतना नुकसान करते हैं कि हमको आगे चल के काफी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसको लेकर भी मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, शेयर किया हुआ है। बट दोस्तों ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का रिजल्ट जो है ना मैं हमेशा कहता हूं कि वो आपकी डाइट पर डिपेंड करता है, आपके रेस्ट पर डिपेंड करता है। अब यहां पर भाई की शिकायत है और मैं शिकायत सुन रहा हूं भाई की, और मैंने भाई को समझाया भी और इनको बताया कि भाई आप डाइट पहले मेंटेन करें अपनी, देन सप्लीमेंट लें, अदरवाइज सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वरना तो आप नॉर्मल भैया दाल रोटी खाओ अपनी और अपना काम करो, वो सबसे बढ़िया है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो डाइट चाहिए। अगर ओरिजिनल सप्लीमेंट से रिजल्ट इतनी आसानी से आ जाते तो दोस्तों मेरे हिसाब से ना मतलब हर कोई जो है ना इनको सप्लीमेंटेशंस को खाता और उसके बाद अपनी बॉडी बना लेता, अपने फिजिकल गोल्स अचीव कर लेता। पर नहीं, एक्टोमोर बॉडी जो कि भाइयों की है, एक्टोमोर बॉडी वालों की मेहनत कहाँ है भाई? उनकी मेहनत जिम में नहीं है, उनकी मेहनत ही डाइट मेंटेन करने में है। इनको 9 बजे कुछ खाना है, कैलरी सरप्लस पे जाना है, ऊपर से वर्क इतना है कि मतलब जो है और ज्यादा कैलरीज कंजप्शन करनी है। तो दोस्तों आपको भी मैं जो है यही सलाह दूंगा कि अगर आपकी कैलरीज इनटेक, आप कैलरी सरप्लस पर नहीं जा पाते हैं और आप एक्टोमोर बॉडी वाले हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। आपके जितने भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ओरिजिनल सप्लीमेंट्स में, नो डाउट वो दोस्तों मतलब खुशी नहीं देंगे। और मैं जानता हूं इस बात को कि हम आम आदमी हैं सब, हम अगर 7-8 हजार रुपए ओरिजिनल सप्लीमेंट्स में दे रहे हैं तो हम कुछ तो चाहते हैं यार, हम चाहते हैं कि यार एटलीस्ट रिजल्ट आए हमें। अब जैसे भाई ने बताया कि आरसी किंग मास वाले टाइम पे जो है भाई को इतना काम नहीं था और भाई ने जो है उससे रिजल्ट भी लिए, 3-4 किलो तक इनका गेन भी हुआ था, बट जो है उसके बाद इन्होंने लबराडा लिया, उससे भी इनको कोई रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों ये मतलब जो है ना हर किसी के साथ है ये, और यही मैं वीडियोज में बताता हूँ आपको। तो ये अपने आप में एक खास वीडियो है। उसके बाद मैंने शमशेर को बोला भी, मैंने भाई देखो आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप डाइट मेंटेन करो, डाइट मेंटेन करोगे तो कुछ होगा, अदरवाइज भाई आपका जो है वर्क लोड ही इतना है यार, आप कैलरी सरप्लस पे जाओगे भी, बॉडी को जहां नॉर्मली 2000 कैलरीज की जरूरत है आपके वाले वर्क लोड पे भाई कैलरीज जरूरत होगी 2500 की, आपको जाना पड़ेगा 3000 पे। सप्लीमेंटेशन भी जो तो सिर्फ सपोर्ट करते हैं आपको, डाइट के बिना कुछ नहीं है यार, डाइट के बिना सब फेल है। तो भाई ने इतने सारे बिल्स दिखाए और सारी चीजें, मैंने भाई देखो मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप डाइट लेंगे तो रिजल्ट आएंगे जरूर, पर अगर आपने डाइट नहीं ली तो रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे। प्लस में फायदा क्या होगा फिर सप्लीमेंट लेने का? फायदा सिर्फ होगा कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा शमशेर जी, वैसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ कुछ भी? नहीं, वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ जी। तो वैसे मैंने भाई की वीडियो, भाई बताता है कि भाई आप कैलरी सरप्लस पे रहो, सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मैंने 3 kg वेट ऐसे भी गेन कर रखा है। हाँ, हो जाता भाई है के कहने पे ही जी। ठीक, तो हुआ ना उस टाइम पे? हाँ, वेट गेन हुआ था मेरा, लेकिन यह फिर उससे ऊपर मैं कैलरी सरप्लस नहीं इनटेक कर पाया, इसलिए मैंने फिर सप्लीमेंट लेना चालू करा जी। और यह है थोड़ा हमारा वर्क ऐसा, अगर काम जो ना हो भारी, हमारा जो पूरे दिन का काम है रेगुलर, बस 8 घंटे खड़े रहना होता है हमें काम करते करते, तो इस वजह से हमारी कैलरी ज़्यादा खर्च होती है जी, और इसलिए हम सप्लीमेंट की सपोर्ट लेते हैं जी। जी, नहीं तो वैसे भी भाई जैसे कहते ना आप, मतलब सप्लीमेंट कोई नहीं, और अगर लेना तो फिर भाई से लो क्योंकि ओरिजिनल तो मैंने हम लेते हैं, पर हम थोड़ा भाई जल्दी में रहते हैं बॉडी बनाने की। मैंने यही कहा भाई से, भाई बहुतों को बॉडी बनाने की तो जल्दी होती है पर मरने की जल्दी नहीं होती किसी को। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाई आपको बता रहे हैं और यही चीज़ मैं आपको बोलूंगा कि जल्दी का काम शैतान का, जल्दी ना करें, धीरे धीरे रिजल्ट डाल दें और अपनी डाइट पर फोकस रखें। देखो एक चीज़ समझो, ये शरीर है ना, जो शरीर मैं कहूँगा कि
सिर्फ और सिर्फ आपसे सेवा चाहता है। इस शरीर को मतलब नहीं है कि आपको ये काम है, आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, खेतों में काम। शरीर को चाहिए खुराक। अगर आप इस शरीर से रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसको खुराक देनी पड़ेगी आपको। अगर आप खुराक नहीं देंगे, आप सोचेंगे जादू है, चमत्कार है, सप्लीमेंटेशन, तो दोस्तों आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो मैंने जो है यहाँ पर शमशेर जी को तो बोल दिया मैंने, भाई देखो अभी सप्लीमेंट कुछ मत लो आप। और मैंने जो है अर्जुन जी को भी सलाह दी थी मैंने, भाई देखो आप डाइट मेंटेन कर लो पहले, फिर उसके बाद जो है ले लेना। पर अर्जुन जी नहीं माने। शमशेर जी कहने लगे भैया ठीक है मैं तो बाद में मंगा लूंगा, पहले मैं डाइट मेंटेन कर लेता हूँ अपनी। पर यहाँ पर जो है अर्जुन जी ने कहा कि भैया मुझे तो चाहिए, अब मैं आया हूँ तो लेके ही जाऊँगा कुछ। मैंने कि भाई ठीक है ले जाओ फिर। तो मैंने बोला भी इनको कि भाई आप जो है अगर गेनर से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहे ना, देन आप प्रोटीन ले लें अपना पोस्ट वर्कआउट में, एक स्कूप प्रोटीन, बाकी डाइट से कवर करने का कोशिश करें। पर भाई कह रहे नहीं नहीं भैया, जब मतलब गेनर से ही रिजल्ट नहीं आ पा रहे तो प्रोटीन से कैसे आएंगे। तो मैंने भाई फिर आप हाई प्रोटीन जो है मास गेनर चूज कर सकते हैं। और भाई जो है ने कहा कि भैया हम उसी को लेने के लिए आए हैं, और भाई ने लिया है म्यूटेंट मास गेनर। ओरिजिनलिटी को लेकर तो भाई बता ही रहे हैं, इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, सारे जो है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मिले हैं, जीएसटी बिल के साथ मिले हैं, ये सारे बिल्स जो है भाई ने दिए हैं। दोस्तों ये काफ़ी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, फैमिली हैं हम सब। तो मैं जो है मतलब अब क्या कह सकता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें भाई ने इतनी ईमानदारी से बताई। अगर चाहते तो भाई ये भी कह सकते थे कि भैया मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मुझे कारण बताओ क्यों नहीं आए। पर भाई ने खुद जो है माना भी इस बात को कि यार डाइट हम मेंटेन नहीं कर पाते, काम ऐसा है। उन्होंने खुद भी कहा था कि भैया कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे हमको जो है ना डाइट हम कम फॉलो करें उससे भी रिजल्ट आ जाए। नहीं है ऐसी कोई चीज़, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, डाइट मेंटेन करोगे तो रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। तो यहाँ भाई ने लिया है म्यूटेंट मास गेनर। और मैंने जो है भाई को बोला भी मैंने कि भाई इस बार जो है मैं आपको पर्सनली जो है मतलब पूरा फॉलो अप करूंगा, जानूंगा आपके क्या रिजल्ट आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, आपको मैं जो है डाइट बना के दूंगा सारी चीज़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलरीज आपको सरप्लस पे ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट आ सकें। तो भाई ने लिया है म्यूटेंट। ओरिजिनलिटी तो मतलब बता ही रहे हैं भाई कि मिलते ही हैं, फेक सप्लीमेंट्स का एक्सपीरियंस भी है। बस दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि फेक सप्लीमेंट्स से बचें, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का रिजल्ट आएगा अगर डाइट मेंटेन करेंगे। और फायदा, फिर फायदा क्या हुआ इनका, इनको लेने का फायदा सिर्फ दोस्तों साइड इफेक्ट्स नहीं होते और इजी मील हैं ये, कि आप डाइट ऑलरेडी काफी ले रहे हैं देन आप कुछ इजी मील ऐड करना चाहते हैं देन आप इनको ले सकते हैं। तो म्यूटेंट मास गेनर भाई ने लिया है यहाँ पर, और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भाई को अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैं जो है मैक्स टू मैक्स कैलरीज दूंगा इनको। इजी से इजी मील जो है सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अगर आपके पर्टिकुलर टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट जो है लिक्विड मील्स ले सकते हैं, लाइक जैसे आपका, जैसे अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे शुगर केन जूस हो गया, गन्ने का जूस, बहुत अच्छी कैलरीज होती हैं, एनर्जी अच्छी खासी होती है, काम में एनर्जी भी आएगी इनको। इसके अलावा जैसे आपका जैसे सत्तू हो गया, जौ और चने का सत्तू, भाई ठीक है अपना पानी में घोला, उसमें थोड़ा सा शक्कर वगैरह नमकीन करना चाहते हैं तो नमक वगैरह उसमें थोड़ा हल्का फुल्का मिला के वो पी लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स है। तो इस टाइप में मैं जो है भाई को ईजी मील दूंगा नेचुरल डाइट में भी, और प्लस में जो है गेनर तो भाई ले ही जा रहे हैं, तो हम जो है उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट आएंगे। और मैं भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगली बार अगर पलवल की तरफ चक्कर लगे, आप सप्लीमेंट्स विला पर आना हो तो भाई रिव्यू जरूर देंगे, क्योंकि मैं फिर से रिव्यू लूंगा। तो भाई को मिला है ये म्यूटेंट मास गेनर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है म्यूटेंट मास गेनर को। ओपनिंग वीडियो बहुत सारी बना रखी है मैंने, और क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो हाई प्रोटीन मास गेनर है, एक सर्विंग में 28 ग्राम प्रोटीन, एक स्कूप भी लेते हैं तो अभी 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ओरिजिनल मिला है, ब्राइट कॉमोडिटीज टैग है, फ्रेश लॉट है, बिल्कुल सारी चीज भाई ने चेक किया। और जीएसटी बिल, ये रहा जीएसटी बिल जो भाई को मिला है, अभी करंट सेलिंग प्राइसेस का 6500 रुपए। अब नो डाउट भाई ने पहले भी जो है पूरा ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लिए हैं, यहाँ पर टैक्स वगैरह सारी चीजें पे की हैं। मैं जानना चाहूंगा कि भाई इतनी मेहनत भी करते हैं उसके, मतलब क्योंकि आम आदमियों का पैसा होता है मेहनत का पैसा, आपका हमारा सबका पैसा मेहनत का है, भाई ने 18% टैक्स पे किया है, जानना चाहूंगा, हर बार किया है जो कि एट द एंड हमारे काम आता है, गवर्नमेंट को जाता है ये, मैं जानना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा, क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, पर ये है कि बस इससे ये बिल से भरोसा रहता है कि हाँ हमारे कुछ पक्की चीज मिली है जी। क्योंकि इतना फेक माफिया की तरफ से इतना निराशा हो चुकी है कि अब भरोसा रहा ही नहीं जी। और बिल से हमारा भरोसा है और टैक्स पे कर रहे हैं इसीलिए जी, तो कोई और बस नहीं, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इतने तो हम वैसे भी खा पी जाते हैं जी। तो अर्जुन जी आप भी क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या फर्क पड़ा आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करने? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा जी, पहले से ही नॉर्मली, क्योंकि मैं सप्लीमेंट बिल से पहले से ही हूँ, तो मैंने पहले भी आ चुका हूँ, ले भी चुके हम लोग, ऑनलाइन ही मंगवाते हैं आपसे, बाकी तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि ओरिजिनल मिल रहा है जी जी जी, ओरिजिनल मिल रहा है। क्या सलाह देना चाहेंगे आप सबको? सबके लिए तो सलाह मेरी यही है कि आप लोग ओरिजिनल के लिए ही देखें जी, नोकल के चक्कर में तो हम लोग फेक माफिया तो है ही, हम तो खुद परेशान हो गए जी जब जाके भैया से, फेक माफिया से सप्लीमेंट आप नहीं,
फेक माफिया वाले आपको ढूंढते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस ये हर जगह है, मिलते हैं वो तो। जी जी दोस्तों, यहाँ पर जो है भाइयों का इतना प्यार है, इतना विश्वास है, और ये आपका भी है। और सप्लीमेंट्स विला कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि यार छोड़ना यार, कोई डाइट वाइट की जरूरत नहीं है, ले जा गेनर हो जाएगा, आ जाएगा रिजल्ट, नहीं कहूंगा कभी भी ऐसा। हमेशा कहा है, हमेशा कहता रहूंगा कि सप्लीमेंट ले सकते हैं सपोर्ट के लिए, डाइट अगर नहीं है तो फेल है रिजल्ट। भाइयों की तरह जो है निराशा हाथ लगेगी, ये चीज आप पहले ही समझ लें। और भाइयों ने फिर भी जो है इतना विश्वास दिखाया, और मेरे को बेहद खुशी हुई है कि भाई अपनी शिकायत लेकर आए मेरे पास, मैं इनकी शिकायत दूर कर पाया, मैंने इनको तसल्ली से सारी चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाइयों को मेरी जो जितने भी मैंने सुझाव दिए हैं सब अच्छे लगे होंगे। और मैं पूछना भी चाहूंगा शमशेर जी, जो भी मैं आपसे मेरी बातें हुई थी वीडियो बनाने से पहले भी, मतलब आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं या इस टाइप में कुछ भी, मतलब सही सलाह दी है ना मैंने? हाँ भाई ने सही सलाह दिया, भाई ने ये कहा कि आप डाइट फॉलो करो, मैं आपको डाइट लिख के दे दूंगा, सप्लीमेंट चाहे मत लो, ठीक। लेकिन ये है कि मेरा यही है, मैं सप्लीमेंट भी अगर लूंगा ना तो रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा काम इतना हैवी है, वो कैलोरी सब पी जाते हैं। जी जी, तो हम आगे भाई जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उम्मीद करते हैं और अर्जुन जी को रिजल्ट आएंगे, मैं डाइट वगैरह सारी चीज दूंगा। आप भी ध्यान रखें कि आपकी भी इन्वेस्टमेंट, आपको भी निराशा हाथ लगेगी अगर आप डाइट को इग्नोर करके सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं। बेसिकली दोस्तों क्या है ना कि सप्लीमेंटेशन से ना हमारा क्या है, हम ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यही है सब कुछ, जबकि जो हमारा बेस है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। और भाइयों ने इतना विश्वास दिखाया, इतने दूर से आए, इतना प्यार दिखाया, और ये भी प्यार होता है कि आप जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एटलीस्ट अपनी शिकायत रख सकें, और हमारा काम आपकी शिकायतें दूर करना, आपको सेटिस्फाई करना। तो भाई ने दूर से आई, वीडियो बनवाई, अपना सुझाव दिया, सारी चीज़ें। दोस्तों मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दोनों भाइयों का, और उम्मीद करता हूं कि इस बार भाइयों को अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। शमशेर भाई को जो है डाइट से अच्छे रिजल्ट्स, जी आराम से जी, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे आराम से बॉडी बनानी है। जी जी आराम से ही, क्योंकि नेचुरल डाइट से अपना फॉलो करना, एक प्रोटीन लेना भाई से और ये चलाना। जी तो दोस्तों गेनर भाई कह रहे हैं आप अगर तसल्ली से बॉडी बनाना चाहते हो तो प्रोटीन ले सकते हो। जी तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने भाई को बताया कि आप प्रोटीन ले लो पोस्ट वर्कआउट में रिकवरी पर्पस से, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक, फैट इनटेक मैक्स टू मैक्स डाइट से कवर करो। पर जो है अर्जुन जी जो है वो नहीं माने, वो कह रहे भैया नहीं मैं एक और गेनर ट्राई करूंगा, तो जल्दी करना है। मैंने उनको समझा दिया कि देखो जल्दी का काम शैतान का, जल्दी मत करो, शरीर का मामला है, बाकी लेना चाहो तो म्यूटेंट ले लो। म्यूटेंट भाई ने लिया है और रिजल्ट देखते हैं हम क्या आते हैं, भाई को आएंगे भी अच्छे, बस डाइट का जो है कृपा करें भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जो है भाई शिकायत नहीं करेंगे, कहेंगे कि इस बात को कि हाँ भाई कुछ रिजल्ट आए हैं। वैसे उन्होंने बोला भी है कि रिजल्ट आए हैं बट बहुत स्लो है, मन खुश नहीं होता। तो दोस्तों आप जो है समझें इस बात को कि ओरिजिनल सप्लीमेंट डाइट ही है, कुछ और जादू नहीं है ये। डाइट मेंटेन रखें, ओरिजिनल कोई भी सप्लीमेंट चाहिए तो सप्लीमेंट विला दी बेस्ट ऑप्शन है, हमेशा ओरिजिनल विद जीएसटी बिल। करंट मेरा फ्रेश स्टॉक के साथ मिलेंगे, हमेशा खड़ा है आपके साथ प्रॉपर गाइड करने के लिए। भाई ने वीडियो बनवाई इतनी दूर से, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेक माफिया से बचिए, ये स्टीरॉइड्स देना, ये देना कैसे फंसाता है फेक माफिया, बच्चों फेक माफिया से। सप्लीमेंट्स विला हमेशा आपके साथ, हम सब है फैमिली, फैमिली की तरह ही काम करेंगे। दोस्तों नमस्ते।